आपके पैसे बहुत ही है। अब सबसे पहले ही की बात करूं मैं तो दोनों फोन हाथ में लेने में कैसे लगते हैं उसकी बात करें तो दोनों को देखो डायमेंशन सेम है और दोनों हाथ में लेने में काफी प्रीमियम फील कराते हैं बात यह है कि आईफोन का थोड़ा एजेस थोड़े शार्प हैं तो इस वजह से आपको ये लगेगा कि आप ये कंफर्टेबल उतना नहीं है जितना कि हमारा एस ट्वेंटी थ्री हाथ में लेने में कंफर्टेबल लगता है और एस ट्वेंटी थ्री के एजेस जो है वो कर्व के साथ साथ शार्पनेस देते हैं तो ये कर्व होने के कारण थोड़ा सा इसमें ग्रिप अच्छा बनता है और यहाँ पे आपको कंफर्ट थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा हमारे आईफोन फोर्डिंग को लेके सो so, इस मामले में तो एस एक कंफर्टेबल एक ग्रिप बना के दे देता है अब दोनों में एक कमाल की आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिलती है हमारे आईफोन में आपको सेरामिक सील्ड देखने को मिलती है जो कि आईफोन की तरफ से दी बेस्ट यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और यहाँ पे हमें एस में आपको

आईफोन थोड़ा सा एक पॉइंट आगे ले जाता है आईफोन में आपको स्पीकर की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है दोनों में हैप्टिक आपको एक अमेजिंग क्वालिटी के देखने को मिलते हैं लेकिन आईफोन का टैप्टिक इंजन आपको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के हैप्टिक दे देता है अब लॉक अनलॉक मेकेजम की बात करो तो दोनों में ही आपको एक अमेजिंग सिक्योरिटी देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको एस में

लेकिन बात करें यहाँ पे आई 14 की तो यहाँ पे आपको फेस आईडी देखने को मिलता है दोस्तों अब फेस आईडी का फायदा ये होता है कि आपको अच्छी सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है लेकिन ये कई समय पे कभी कभी काम नहीं भी करता है जैसे कि आप लेटे हुए हो या फिर आपका पोजीशन अलग है पोस्चर अलग है तो उस समय आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है और यहाँ पे आपको पासकोड डालना पड़ जाता है नहीं तो मल्टीपल टाइम्स ये परफेक्ट ही काम करता है सो so यहाँ पे मैं एस को एक बेटर पॉइंट देना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको एस में एक बेटर अनलॉकिंग मैकेनिज्म और ज्यादा सिक्योर मैकेनिज्म देखने को मिलता है अब दोनों ही फोन आपको IP68 की रेटिंग के साथ देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है दोस्तों iPhone 14 फोर्टीन यहाँ पे आपको 6 मीटर तक के डेफ्त तक जा सकता है दोस्तों आधे घंटे तक ये सरवाइव कर सकता है और यहाँ पे बात करें तो एस ट्वेंटी थ्री यहाँ पे आपको डेढ़ मीटर की गहराई तक ये जा सकता है आधे घंटे तक ये भी सर्वाइव कर जाएगा सो बेसक यहाँ पे आईफोन फोर्टीन आपको बेटर वॉटर देखने को मिलता है हाँ अगर आप अपने फोन को यहाँ पे डेफ्थ में बहुत ज्यादा नहीं ले जाने वाले तो दोनों ही आपको वॉटर अच्छे देखने

आपको बारह 1200 इन तक की पीक ब्राइटनेस दे देता है और आपका ट्वेंटी थ्री ज्यादा बेटर डिस्प्ले देखने, देखने को मिलने वाला है हालांकि दोनों ही हीट करके थ्रोटल कर जाते हैं मगर आपको बेटर ब्राइटनेस जो एक सिचुएशन आती है थोड़ी देर में वो आपको एस ट्वेंटी थ्री बेटर निकाल के देने वाला है अब जो चीज मुझे आईफोन में खराब लगती है वो है दोस्तों आपका हर्ट्स का डिस्प्ले जो कि यहाँ पे सैसंग में आपको वन ट्वेंटी हर्ट देने को मिलता है तो ये एक चीज आपको कंसिडर कर लेनी चाहिए जब भी आप इन दोनों फोन में से कोई फोन लेने वाले हो तो आप ध्यान रखो कि आपने वन ट्वेंटी आपको सैमसंग में देखने को मिलेगा एस में आपको देखने को मिलेगा आईफोन में आपको सिक्सटी हर्ट्स अभी भी देखने को मिलते हैं यानी कि आपका जो नया फिफ्टीन आया आईफोन फिफ्टीन उसमें भी आपको सिक्सटी हर्ट्स ही देखने को मिल रहा है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको आईफोन में सिक्सटी हर्ट्स के डिस्प्ले देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको सैमसंग एस में आपको वन ट्वेंटी का डिस्प्ले एक बढ़िया डिस्प्ले ज्यादा

तो आप ये चीज जरूर से ध्यान रखना और दोनों में ही वाइड वाइन एलेवन का सपोर्ट देखने को मिलता है अब बैटरी की बात करें दोस्तों थ्री टू सेवन नाइन एमएच की बैटरी आपको आईफोन 14 में देखने को मिलती है वहीं यहाँ पे थर्टी नाइन हंड्रेड एम की बैटरी आपको एस ट्वेंटी में देखने को मिलती है और बैटरी के चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको आईफोन में आपको ट्वेंटी वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है एज पे आपको ट्वेंटी फाइव वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है दोनों में ही बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलते आपको सेपरेटली चार्जर खरीदने पड़ते हैं तो आपको यहाँ पे 20 वोट का आईफोन में देखने को मिलेगा और 25 फाइव वोट का यहाँ पे सैमसंग में आपको चार्जिंग देखने को मिल जाएगा सो so, दोनों ही फोन को आप वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं अगर आपको चार्ज करना है अपने 14 को वायरलेसली तो आपको मैक्सेफ चार्जर की जरूरत पड़ेगी जिससे आप फिफ्टीन वोट का इनपुट यहाँ पे आप दे पाएंगे और यहाँ पे अगर आप कोई भी नॉर्मल ची वायरलेस चार्जर को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको सेवन पॉइंट का ही आउटपुट देखने को मिलेगा जो की आईफोन सपोर्ट ही नहीं करता मैक्सेफ के अलावा भाई आईफोन को चाहिए ही नहीं साढ़े सात में वो खुश रहता है वेर एजाम अगर हम बात करें एस की तो यहाँ पे आपको 15 वोट का चार्जिंग देखने को मिल जाता है आपको इजीली कोई भी वायरलेस चार्जर जो है वो आपको 15 वोट का आउटपुट दे देंगे इसमें और साथ ही साथ मैं आपको बता दू एस ट्वेंटी में आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है यहां पे आपको फोर पॉइंट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है यानी कि आपके सैमसंग के बट्स हुए या फिर कोई और डिवाइस हुआ या फिर आपको अपने ही फोन को चार्ज करना है दूसरे फोन को तो आप इससे कर पाओगे फोर पॉइंट की मैक्स आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों हमने दोनों की बैटरी लाइफ को भी टेस्ट किया है सुबह चार्ज किया शाम तक यूज किया और दोनों ही परफेक्टली आपको सुबह से शाम तक की बैटरी लाइफ दे देते हैं मतलब वन डे बैटरी लाइफ इजिली दोनों ही फोन दे देंगे लेकिन बात करूं मैं आपको एक्जेक्ट नंबर की स्क्रीन ऑन टाइप की तो यहाँ पे जो आईफोन ने देखो बैटरी लाइफ दी है वो छह घंटा तिरालीस मिनट दी है और बाईस ये बचा हुआ है तो इतना स्क्रीन ऑन टाइम इसका आपको देखने को मिल जाएगा आईफोन का और बात करूं मैं एस की तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिला है वो फोर आवर और थर्टी सेवन की आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिली है और ये आपको पंद्रह परसेंट अभी रिमेनिंग देखने को मिल रहा है तो यानी कि हमने जब चार्ज किया इसे पूरा दिन यूज किया मतलब सिक्सटीन आवर फोर्टी एट मिनट तक ये टोटल यूज है उसमें से स्क्रीन ऑन टाइम फोर थर्टी सेवन मिनट्स की आपको बैटरी जो बची हुई देखने को मिल रही है वो पे आपको 15% देखने को मिल रहा है और याद रखिएगा मैंने 5G का पूरा यूज किया है दोनों फोन में तो इस 5G नेटवर्क के ऊपर ये कैसा काम कर रहा है आपको एक आइडिया देखने को मिल गया होगा अब एक क्लियर मुद्दा जो उठता है वो आपको होता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का जो की मैंने पहली बार एक आईओ को यूज किया है तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस हुआ है एंड्रॉय से शिफ्ट होकर ये मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा दोनों में अपडेट के क्या है। so, तो देखो आईफोन फोर्टीन में आपको आईओ देखने को मिलता है अभी लेटेस्ट आईओ एस या वन कुछ चल रहा है और यहाँ पे आपको ये पांच साल, का, ये 5 साल, का, मिलेंगा मिलेंगा। का, साल का अपडेट देखने को मिलेगा जब फोन लॉन्च हुआ ही मिलेगा यानी कि एंड्रॉयड सेवेंटीन तक का आपको अपडेट यहाँ पे थ्री में देखने को मिलेगा दोनों ही एक फ्लैगशिप फोन है दोस्तों और दोनों में कोई आपको कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगी आपको परफेक्ट अपडेट्स आते रहेंगे और

डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम एटलीस्ट तो नहीं होने वाली अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एस ट्वेंटी में आपको मिलेगा और यहाँ पे, आप तो पे आपको UFS देखने को मिलेगा जो कि स्पीड के मामले में काफी डिफरेंस दे देता है तो आप ध्यान रखो अगर आपको लेना ही है तो आप टू फिफ्टी सिक्स जीबी वाला स्टोरेज वाला वेरियंट लो पांच हजार एक्स्ट्रा लोगे लेकिन आपको एक अच्छा परफॉर्मिंग डिवाइस देखने को मिलेगा और मेरे पास भी इस समय

यहाँ पे होने लगता है फोन और साथ ही साथ मैं बोलूंगा मैं जो जानता हूं टूर्नामेंट्स के जो मैचेस होते हैं उसमें आपको अगर BGMI आप खेल रहे हो तो आपको एक आईफोन अलग एक एडवांटेज दे के जाता है ये बात तो सबको ही पता है बाकी कैजुअल गेमिंग करनी है तो बेशक आप एस ट्वेंटी थ्री को ही ट्वेंटी हर्ट की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और आपको एक परफॉर्मेंस तो टॉप नॉज देखने को दोनों में ही देखने को मिल रहा है अब आते हैं दोस्तों कैमरा के डिपार्टमेंट जो की मेरा एक पर्सनल फेवरेट डिपार्टमेंट है जिसमें मैं बात करना बहुत ही पसंद करूंगा और आपको भी ध्यान रखना है कि आपको पे ट्वेंटी थ्री में तीन कैमरास देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको आईफोन फोर्टीन में आपको सिर्फ और सिर्फ दो कैमरे को मिलते हैं एक टेलीफोटो कैमरा आपको एस देखने को में ज्यादा और उसके एडवांटेज क्या, क्या क्या है वो मैं आपको बता दूंगा बहुत आपको, आपको, दूं, आपको रिकॉर्ड करने आपको करने, आपको कैमरे के वीडियोस का बहुत यूज करना है तो आपको आईफोन 14 ही लेना चाहिए और अगर आपको यहाँ पे फोटोज क्लिक करने और साथ ही साथ आपको वीडियोस भी बनाने लेकिन आपकी फोटोज प्रायोरिटी आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो आपको ब्लॉगिंग नहीं करना है आपको एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो आप S23 की तरफ ही जाना बिकॉज़ इसका कैमरा बहुत ही अच्छा है आप S23 के कैमरा को जब यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कैमरा कैपेबिलिटीज बहुत ही अच्छी हैं अगर आप कुछ शॉर्ट्स भी देखोगे ना तो इसके शॉर्ट्स काफी अमेजिंग आते हैं और ऐसा लगता है ऐसा फील देता है अगर आप 3x टेलीफोटो से आप पोर्ट्रेट मोड में अगर शॉर्ट ले लोगे तो आप कह ही नहीं सकते कि आपने किसी डीएसएलआर कैमरा से फोटो नहीं लिया है यानी कि इसकी जो एज डिटेक्शन है वो काफी मुझे अमेजिंग लगी उसकी कलर प्रोडक्शन जो है वो काफी अमेजिंग लगी आई अभी भी फोटो में लैक करता है दोस्तों अगर आपको फोटोज आईफोन से क्लिक करने लें तो मैक्सिमम टाइम आईफोन्स लैक ही करेगा एस से यहाँ पे अगर मैं बात करूं डे लाइट की तो कभी कभारी आईफोन्स एक गेम विनर हो जाता है जब आपका पीछे सन हो और आपको आगे फोटोज क्लिक करनी हो तो यहाँ पे आईफोन कभी ना कभी आपको

क्लियरेंस ले सकते हो लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आईफोन 14 लेना और आपको वीडियोस के साथ साथ फोटोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप एस ट्वेंटी लेना बिकॉज इसमें आपको एक स का एडवांटेज भी देखने को मिलता है और आपके फोटोज जो है वो एस से बेटर निकल के आने वाली है सो दैट इज इट दोस्तों आप बताइए आपको सेक्शन में कौन सा फोन पसंद आया मैं बोलूंगा के मामले में तो दोनों ही फोन अपने मामले में काफी अच्छे हैं दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अलग अलग हैं आप ध्यान रखना कि इसमें आपको आईओएस देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड देखने को मिलता है तो अगर आप एंड्रॉयड यूज करते आओ हो और अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो आईओ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप आईफोन फोर्टीन को ले सकते हो लेकिन मैं ओवरऑल के मामले में बताऊं तो दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं आप एंड्रॉइड की तरफ भी जा सकते हो ये काफी ओपन सोर्स होता है काफी आपको अमेजिंग एक्सपीरियंस भी दे देता है और आईओ एक थोड़ा सा क्लोजअप आप ऐप पे आपको क्लोज इन्वायरमेंट देखने को मिलता है थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा देखने को मिलती है आपको ऐप्स अलग से आप इसमें इंस्टॉल नहीं कर पाओगे इसमें आप अलग से एप इंस्टॉल कर सकते हो तो ये सब चीजों को ध्यान में रख सकते हो एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन का हम नहीं करते दें बाकी फिलहाल आप वीडियो में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर से कॉमेंट सेक्शन में लिखना आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया और मैं मिलता बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में दिस इज एंड एंड यू टेक टेक इन केयर गुड बाय